आज धनबाद के महिला थाना में उस वक्त लड़की पक्ष के लोगों ने हंगामा किया जब एक प्रेमी जोड़े ने महिला थाना पहुंचकर शादी रचा ली। बता दें कि धनबाद के महिला थाना में एक प्रेमी जोड़ा शादी कर पहुंचा। प्रेमी ने बताया कि पिछले 3 साल से महुदा की रहने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और महिला थाना पहुंचकर थाना के बगल में स्थित शिव मंदिर में शादी रचा ली। शादी के बाद प्रेमी जोड़ों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए एक लिखित आवेदन महिला थाना में दिया। प्रेमिका ने बताया कि उसकी उम्र 19 साल है और वो पिछले 3 साल से अपने प्रेमी से प्यार करती है और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए शादी रचा ली। साथ ही महिला थाना में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। अवकेश कुमार पांडे, कहाँ रहते हैं आप? होली में। अभी जो आप लोगों ने यहाँ थाने महिला थाने में शादी रचाया है, कैसे 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 क्या हुआ बताइए। हम लोग का 3 साल से रिलेशन चल रहा था, पहले से हम लोग दूर का रिलेशन थे, एक ही कास्ट थे, ठीक। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा संबंध बढ़ते गया, बढ़ने के बाद शादी करने का निश्चय किया, शादी कर लिया आज। जब दोनों में दोनों राजी थे, पारिवारिक परिवार के बीच परिवार से भी जुड़े हुए थे, बावजूद उसके थाना क्यों आना पड़ा? नहीं नहीं, इनके घर वाला राजी नहीं था। मेरे घर वाला राजी थे, हम अपने घर वाले को राजी करवाए थे, मेरे घर वाले राजी थे, लड़की अच्छी है, मगर इनके घर वाला राजी नहीं थे। तो जो डेली मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, तो इसलिए कदम उठाना पड़ा। तो अभी भी घर वाला राजी नहीं है? नहीं नहीं, घर वाला अब क्या है, वो आएगा नहीं, बोल दिया अब नहीं आएंगे, जो हो गया हो गया, खत्म हो गया। आपको 3 साल से आज आप महिला से थाना में शादी किए हैं, परिवार के लोग राजी थे? नहीं परिवार के खिलाफ जाके शादी की है, परिवार के खिलाफ। मतलब कुछ परेशानियां होगी तो कौन उसका जिम्मेवार होगा? अभी कुछ अगर दिक्कत होगा तो खुद होंगे। कितना शादी कहाँ की है? महिला थाना में आके आज 19 साल। शादी कहाँ की है? कोर्ट से की है। खुश है आप इनके साथ? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं था? नहीं। इस संबंध में महिला थाना के ASI शशि प्रभा ने बताया कि प्रेमी जोड़ा शादी कर महिला थाना में सुरक्षा की गुहार लगाने को लेकर आवेदन दिया है। पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्रेम संबंध की बात कह आज प्रेमी जोड़े ने शादी करके महिला थाना आज वो पहुंचे हैं और यहां से प्रक्रिया पूरी करने के साथ थाना से विदाई दी जाएगी। दोनों 3 साल से बोल रहा है कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन गार्जियन शायद नहीं माना, तो ये लोग अपने मर्जी से शादी किया है, कोर्ट मैरिज करके आया है और मंदिर में किया हुआ है। तो इनके गार्जियन को हम इन्फॉर्म कर दिए हैं, वो लोग आता है फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, लड़की बालिग है? हाँ, लड़की बालिग है, लड़का भी बालिग है, तो ये लोग का सहमति से। तो मतलब शादी से पहले सूचना नहीं दी गई है गार्जियन को? शादी से पहले तुम लोग दिया था? हाँ दिया था सूचना, ये लोग शायद गार्जियन नहीं मान रहे थे, दोनों सेम कास्ट है। प्रशासन द्वारा ये लोग को सहयोग किया जाएगा, साथ में रहना है तो साथ में भेजा जाएगा। शादी करके आपके थाने में आए हैं? हाँ, दोनों शादी कर चुका है। क्या मांग कर रहे हैं ये लोग? ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दीजिए, घर वाला विरोध कर रहा है, इसीलिए एक आवेदन दिया है कि हम लोग साथ रह के वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रेमी जोड़े की शादी की सूचना महिला थाना द्वारा लड़की पक्ष के परिजनों को दिया गया, उसके बाद लड़की के परिजनों ने थाना पहुंचकर हंगामा किया। हालांकि थाने में लड़की के परिवार वालों को समझा बुझाकर हंगामा शांत करा दिया गया और प्रेमी जोड़े को महिला थाना से विदाई दी गई।